Assalamualaikum once again and welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is the off day of World Cup 2024. इतनी कोई खतरनाक सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही है बिकॉज ये जब हम एक से तीन वाला शो अपना ख़त्म करते हैं तो उसके बाद हम बैठ के हम मैच सारे सब जो है जोर का जोड़ की फैमिली वो साथ मैचेस देखती है और अभी कुछ नहीं था, कुछ देखने को नहीं था, वो एक हाईलाइट चल रही थी एक मैच की, मगर अच्छी बात ये थी कि उस मैच में जो है वो पाकिस्तान जीता था, तो यस वही देख के हम खुश हो गए थे. बट बात करेंगे ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से होगी हमारी डिस्कशन और इस वर्ल्ड कप में कौन टॉप फोर रहा, कौन नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी. मैं हूँ सवेरा पाशा, मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. डिस्कशन बहुत सारी है तो इससे पहले हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे. हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं, बूम लाला, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, लाला अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम और बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. मतलब जितनी तेजी से जो है ना वो ये टाइम बचा रहे हैं. हाँ, टाइम बचा रहे हैं. साउथ अफ्रीका बैटिंग करता है ना, टाइम कभी बचता नहीं है. टाइम जितना काम एंड कूल होके बंदा टाइम गुजारता है ना, हाँ, उतना ही उसमें बरकत भी आ जाती है. यू डोंट हैव टू रश, बस रिमेंबर योर प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट द आउटकम. गॉट इट. टाइम इतना हो जितना इंजी भाई के पास क्रीज पे टाइम होता. एब्सोल्युटली, हां बिल्कुल ठीक है. हम आगे बढ़ते हैं लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे जे डॉट के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे और कल का सवाल आप लोगों के सामने रखेंगे. आज का सवाल भी आपको बताएंगे. कल सवाल हम लोगों ने किया था कि बहैसियत ओपनर किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज हासिल है. अच्छा, ये सवाल हम लोगों ने कल रखा था, इसका आप लोगों ने जवाब देना है और उसके बाद आज का सवाल थोड़ी देर बाद जाकर हम आगे रखेंगे. बहैसियत ओपनर किस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज हासिल है? वैसे नहीं आइडिया कौन हो सकता है. एशियन है. यस. इंडियन है. यस. सचिन है. यस बिल्कुल. तालियां जी मुशी भाई के लिए. तो मुशी भाई ने भी ना स्पीड लगाई है. हालांकि पहले वर्ल्ड कप में वो पिछले नंबरों पे खेलता है. अगले पांच में डाउन द ऑर्डर खेलता है. बिल्कुल ऐसे ही है. तो चलें हम आगे बढ़ते हैं, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. लकी विनर का नाम थोड़ी देर बाद हम अनाउंस करने वाले हैं, अभी अनाउंस नहीं करेंगे. बिल्कुल, सस्पेंस हम यहाँ बना के रखेंगे जे डॉट के सवाल के जवाब का कि कौन है वो लकी विनर. बट कमिंग फॉरवर्ड हमने लाला आपकी तरफ आऊंगी. सबसे पहले हम अभी बात कर रहे थे कि एक्चुअली इम्पैक्ट क्या था टीम पाकिस्तान में, कौन इम्पैक्ट नहीं डाल सका, वॉज इट वर इट द बॉलर्स या फिर बैटर्स या क्या हुआ. तो हम कुछ स्टैट्स और उसके हिसाब से बात कर रहे थे. बट बिफोर मूविंग टू द स्टैट्स, वॉट इज़ योर टेक ऑन इट कि बैटर्स ने डिसअपॉइंट किया या बॉलर्स ने डिसअपॉइंट किया? मेरे ख्याल में सवेरा तीनों शोबों के अंदर ही हम ठीक नहीं रहे. अगर हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ नए बॉल से आउट करने की थी तो हमने आउट नहीं किए. हमारा स्पिनर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट था बहुत दफ़ा बात हो चुकी, उन्होंने रोल अदा नहीं किया. इसी तरह हमारी बैटिंग जिनसे उम्मीदें थी कि हमें मैच जितवाएंगे या कंसिस्टेंसी होगी उनकी इस वर्ल्ड कप के अंदर, वो चीज़ नज़र नहीं आई. फील्डिंग में देखा जाए तो फील्डिंग में हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं. तो ओवरऑल जब आप इतने पांचवें नंबर पे जब आप फिनिश करते हो और चार टॉप टीमें आ जाती हैं तो उसमें आप अपनी गलतियों की वजह से वहाँ पे फिनिश करते हैं और जो ऊपर जाती हैं उन्होंने उन्हीं चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट की भी होती है. उनके तीनों शोबे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग उनमें अच्छा परफॉर्म किया हुआ होता है जिसकी वजह से वो एंड अच्छा ऊपर करते हैं. तो ओवरऑल हम सिर्फ किसी एक बैटिंग पे या सिर्फ बॉलर्स पे नहीं डाल सकते. इट्स अ टीम गेम. एज अ टीम हमने पहले भी बात की है कि बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं लेकिन 11 की 11 प्लेयरों की थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेज मिल के जो है वो टीम को मैच जितवाती हैं लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं. और लाला इन तीन शोबों के साथ दो और शोबे भी अगर आप ऐड कर दें, एक है कैप्टेंसी का और एक है कोचिंग का, ये दो डिपार्टमेंट्स हैं, इन दो डिपार्टमेंट्स को आप कहाँ पर ऐड कर दें? बिल्कुल ऐसी बात है क्योंकि मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ सारा आपका बाहर है, आप बहुत सैलरीज देते हैं उनको और मेरे ख्याल में कि वो माइंड सेट जो है वो प्लेयरों से काम कैसे लेना है, उनको मैनेज किस तरह करना है, किसको किसकी क्या स्ट्रेंथ पे खिलाना है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से आती है. उनका भी उतने जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, इस टीम गेम टीमें जीतती भी हैं और टीमें हारती भी हैं. तो टीम सिर्फ वो नहीं होती जो ग्राउंड में उतरे हुए प्लेयर होते हैं. हाँ. इसके अंदर मैनेजमेंट भी आती है, इसके अंदर लीडरशिप भी आती है, इंडिविजुअल प्लेयर्स भी आते हैं. तो ओवरऑल इस टीम सब हर एक की मैं समझता हूँ कि हमें गलतियाँ नज़र आई हैं, किसी की ज़्यादा हैं किसी की कम है. तो हर उसका जो डिपार्टमेंट था उसमें हमें गलतियाँ नज़र आई हैं. बिल्कुल बिल्कुल जी, ओवरऑल इट इज़ अ टीम वर्क. बट मुशी भाई हम क्योंकि कल के मैच को हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया, कल जब इंडिया और नेदरलैंड्स का मुकाबला हुआ हमें ड्रॉप कैचेस दिखे, चार ड्रॉप कैचेस इंडिया की तरफ से हो, बिकॉज अब इंडिया फाइनल में जा रही है, सेमीफाइनल में जा रही है टीम.
बोलिंग कल जब सिराज को कंकशन वो लगी बाहर हुआ कंकशन की वजह से, सो बोलिंग करवाई, 9 बोलिंग ऑप्शन यूज किए रोहित शर्मा ने, एवरीवन वाज बोलिंग यस्टरडे, एंड वो क्योंकि 6th ऑप्शन हमेशा ओपन होना चाहिए. हाउ डू यू लुक एट दैट? आई थिंक सम टाइम आई थिंक ये मुझे थोड़ा सा डेंजरस लगता है. या सेमीफाइनल से पहले व्हेन यू ट्राइंग टू डू दैट ना, आई थिंक यू स्टार्ट एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ओके, और कंफर्ट जोन का मतलब यू नो यू नॉट रिस्पेक्टिंग दिस गेम. ओके, दिस गेम जस्ट हैविंग फन, दिस हैविंग अ फन, यू नो लाइक ओके 400 प्लस रन कर दिए इनको, कोई भी आके कोई भी बॉलिंग कर ले. ये ऐसा नहीं होता, आप इस गेम के साथ रिस्पेक्ट करते रहे, क्योंकि इस वक्त अगर कोई कोचिंग ड्राविड करता होगा, ड्राविड इस मामले में सियाना है कि वो खेला हुआ है, उसको चाहिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इनके पाँव को ज़मीन पर रखना. जब बहुत अच्छा कर रहा होता है ना बंदा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उस वक्त उस कोच का काम, मैनेजमेंट का काम होता है, सीनियर प्लेयर का काम होता है, अपने प्रोसेस से ना निकलो भाई. आउटकम हमारे अंदर आ रहा है, हम जीत रहे हैं, हम अच्छा खेल रहे हैं, हमारी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग क्लिक हो रही है. आई थिंक ये सब टाइम मैं ये मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी 1 से 3 बजे वाले शो में भी कहा था कि मुझे लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड इनको अपसेट कर सकेगी, क्योंकि इन जो न्यूजीलैंड है वो बहुत अपने हम्बल तरीके इस गेम की रिस्पेक्ट करती है और इस गेम को बड़े अच्छे प्रोसेस से खेलती है. तो इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप जीत रहे हैं बट यू कीप रिस्पेक्टिंग दिस गेम, अदरवाइज दिस गेम विल बाइट यू वेरी बैडली. बट हम क्या यूसुफ इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि दे हैड एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई आउट थिंग्स, दे को ट्राई आउट थिंग्स, बिकॉज जब आप सेमीफाइनल में जाते हैं किसी एक बॉलर का दिन अच्छा नहीं हो या किसी एक बॉलर को फिर से कुछ हो जाए इंजरी, सो यू नीड टू हैव ऑप्शंस. मे बी अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें, वुड दैट बी करेक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए अगर उनके दिल में अगर ये बात है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो दिल का तो हम वो तो उन्हीं को पता है. इसीलिए जो मुशी भाई बात कर रहे हैं क्रिकेट को सामने रखते हुए कि क्रिकेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर वो ये नहीं है तो उनके साथ अपसेट भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ये नहीं है तो फिर जो उस दिन अच्छा खेलेगा वही जीतेगी टीम, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो उनकी टीम बहुत बैलेंस है. न्यूजीलैंड के पास 5वां बॉलर वो स्ट्रगल करते हैं, उनके 4 बॉलर बहुत अच्छे हैं लेकिन 5वें पर स्ट्रगल करते हैं. बैटिंग में अभी तक प्रेशर इतना ज़्यादा आया नहीं उन पर, और इंडिया पर भी कहीं नहीं आया, ना बॉलिंग में आया ना बैटिंग में आया, जो 9 गेम उन्होंने खेली कहीं प्रेशर नहीं आया. लेकिन जिस तरह की टीम इंडिया की नज़र आ रही है वो एक अनबीटन टीम नज़र आ रही है, मेरा ख्याल वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहली बार ही होगा, और मुझे लग रहा है ये भी पहली दफ़ा ही होगा कि 9 गेम जीता हो. 11 ऑस्ट्रेलिया 2 दफ़ा जीत, अच्छा ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है, दी कंसेक्यूटिव विन्स में जो है इंडिया इज ऑन द 3rd नंबर. तो ये हो सकता है कि ये भी लेवल कर दें, 11 मैच जीत जाए, 2 मैचेस और हैं, क्योंकि जिस तरह की इनकी टीम है उनके सारे बॉक्सेस टिक हैं. लेकिन अगर बाकी जो बात मुशी भाई कह रहे हैं अगर ये हुआ तो हो सकता है कोई बात तो अगर प्रैक्टिस करनी है आपने ट्राई करना तो आप नेट्स में कर सकते हैं, लेकिन वो इंजर्ड कह रहे हैं कि प्लेयर इंजर्ड भी हुआ तो सिराज को बॉल लगी थी, लेकिन वो वापस आ गया था, स्कोर बहुत ज्यादा थे, सिराज वापस आ गया था बॉल करने, आ गया था, लेकिन 9 बॉलर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तो ये शायद मतलब विराट कोहली ने बॉलिंग नहीं की, कीपर ने और कीपर रायन ने नहीं बॉलिंग, विराट कोहली ने बॉलिंग की, रोहित ने खुद और विकेट हासिल की, शुभमन ने की, शुभमन ने बॉल किया, रोहित ने भी विकेट लिया, कुमार यादव ने किया, रोहित ने आखिरी विकेट लिया, लास्ट विकेट कोहली ने, रोहित शर्मा ने. तो बहरहाल देखें ये तो एक गेम फनी गेम है, कुछ भी हो सकता है इसमें, आप इजी नहीं ले सकते और रिस्पेक्ट करनी चाहिए गेम की, ये तो है. अच्छा एक और जो डिबेट हम पाकिस्तान की कॉन्वर्सेशन पे अब आएंगे, मगर उससे पहले एक जो अब डिबेट चली है, बिकॉज मिचेल स्टार्क ने ये स्टेटमेंट दी और 2018 में सचिन तेंदुलकर ने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि एटलीस्ट ODI में ये जो 2 बॉल्स का रूल है ये चेंज कर देना चाहिए ICC को और वापस आ जाना चाहिए उसी रूल पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो ये गेम है वो टिल्ट हो गया है बैटर्स की तरफ, सो देयर इज नथिंग फॉर द बॉलर्स लेफ्ट. लाला व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एग्रीड, बिल्कुल ठीक कहा है आपने. थोड़ा सा बॉलर्स के लिए थोड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, जो एटलीस्ट इतना हो कि आप रिवर्स स्विंग हो सके बॉल, कि 2-2 बॉलें इतनी फ्लैट पिचेस के ऊपर, ये थोड़ी सी ज्यादती मैं समझता हूँ. तो जो सचिन ने कहा है या स्टार्क ने कहा है, मेरे ख्याल में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ICC को, क्योंकि रूल्स चेंज करती रहती है, तो वाई नॉट कि क्रिकेट को और ज़्यादा ज़बरदस्त करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो बॉलर्स के पास भी होना चाहिए. बिल्कुल, इस सवाल का जवाब मैं आप दोनों से भी लूंगी, मगर मेरे ख्याल से उससे पहले आप क्वेश्चन अगर अब हम जो है उनका नाम अनाउंस कर देते हैं, लकी विनर का काफ़ी इंतजार करवा लिया हमने. सवाल अभी जिसका जवाब मुशी भाई ने भी दे दिया, बहसियत ओपनर किस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का एजाज हासिल है? इसका जवाब है
सचिन तेंदुलकर 1767 रन इन्होंने बनाए हैं एज ओपनर, और इनका नाम है महनहा जहांजेब, लाहौर से इनका ताल्लुक है, तो बड़ा भारी नाम है। तो महनहा जहांजेब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जेरॉड का जबरदस्त परफ्यूम। कांग्रेचुलेशंस, उनका नाम भारी है तो ये बॉटल भी बहुत भारी है। वाह जी वाह, दोनों चीजें मैच कर रही हैं। यस यस, परफेक्ट, जबरदस्त। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा बार सिफर पर आउट हुआ है? ये पाकिस्तान के वाले से आज दोनों सवाल, पाक्स का सवाल भी पाकिस्तान के वाले से था, जेरॉड का सवाल भी इसी वाले से है। तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा बार सिफर पर आउट हुआ है? दुरुस्त जवाब देने के लिए नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आने लगा है 0317-7707-174। इस नंबर पर आपने कॉल करनी है, कॉल करके जवाब दें, और कॉल आप अभी से करना शुरू कर सकते हैं। जिस तरह इंडियन, बिल्कुल जी, जिस तरह इंडियन जल्दी से बताएं, कल 9 बॉलर था, आज अमेरिका की भी बॉडी लैंग्वेज से मैंने रीड किया, इसको नंबर याद हो गया ना, तो हमारी तरफ देख के बात का नंबर इसने प्रेजेंटेशन दी है कि आई नो आई एम बिगर देन दिस गेम, आई नो द नंबर, और फिर उसके बाद नंबर में अटक जाए कहीं तो फिर पता चलेगा फौरन, ओ देखना पड़ेगा। सो यस, वही कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत लूजन अप नहीं होना पड़ता, यू नीड टू बी अपटाइट, एंड जिस तरह एक कैंपेन भी चल रही है इस वक्त, मत बोल जब तक के चैंपियन ना बन जाए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल, और हमारी डिस्कशन चल रही थी थोड़ी सी कल के मैच के बारे में, हमने डिस्कशन की, बट नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हम जब जोर का जोड़ 1-3 वाले शो में जब हम आए थे तो तब हमने जो बात की थी परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की, उनको ज़रा लुक बैक करें कि अंदाज़ा हो कि कहाँ कहाँ और तब्दीलियाँ करनी है। हमने शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से बात कर ली थी, हारिस रऊफ के हवाले से बात कर ली थी, शादाब खान के हवाले से बात कर ली थी। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, और उसामा मीर हमारे अगले जो स्पिनर वहाँ मौजूद थे, जिनको जब शादाब नहीं हमें दिखा के शादाब इम्पैक्ट क्रिएट कर सक रहे, तो उसामा मीर को मौका दिया गया, और उसामा मीर ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया और क्या इम्पैक्ट किया, हम जरा उनके भी स्टार्ट्स देख लेते हैं इस वर्ल्ड कप के हवाले से। सो उसामा मीर का रैंक जो है 67/80 और एवरेज में है, अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 61 नंबर पर आते हैं, विकेट्स 4 हासिल की हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी महंगे रहे हैं, 7+ की इकॉनमी रही है। स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करते हैं तो स्ट्राइक रेट 52.5, यानी कि तकरीबन अगर 10 ओवर का कोटा पूरा आप नहीं करते तो हर मैच में एक विकेट हासिल किया, अगर इस तरह हम कर लेते हैं इनको। बिल्कुल, सो ये उसामा मीर के स्टार्ट्स रहे। लाला, मैं पहले आपकी तरफ आती हूँ, ना शादाब जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके और ना उसामा मीर इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, इसका मतलब तो ये कि स्पिन तो हम बिल्कुल कहें कि सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंट किया वो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट ने डिसअपॉइंट किया। अब बिल्कुल ठीक कहा सवेरा आपने, जितना इंपॉर्टेंट उनका रोल था बीच में आके, एक फास्ट बॉलर्स को बड़ी हेल्प मिल जाती है अगर आप एक एक दो दो आउट करते, जिस तरह का इंडियन बॉलर्स कर रहे हैं इस वक्त, या न्यूजीलैंड वाले कर रहे हैं, बाकी टीमें कंपेयर टू अस वो हमसे बहुत बेहतर मिडिल के ओवर कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स जाम्पा कर रहे हैं। देखिए आप तैयारी जो वर्ल्ड कप की होती है, क्योंकि 5 साल बाद ये इवेंट आता है, तो उससे पहले आप 3-4 महीने पहले ना आप तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब करीब होती हैं चीज़ें। एशिया कप आपके पास था, एशिया कप में यहाँ पे आपको स्पिनर्स ट्राई करने चाहिए थे, आप हार से ना डरते, आप सिर्फ ये करते कि भाई एक बड़ा वर्ल्ड कप आ रहा है तो उससे पहले हम एक्सपेरिमेंट्स कर लें, तो इसमें आप अबरार को भी खिला सकते थे, आप जो भी स्पिनर्स आपने ट्राई करने थे, और ये हम प्रोग्राम से पहले कहते हुए आ रहे हैं कि स्पिनर्स का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वर्ल्ड कप से पहले, हम कहते हुए आ रहे थे ये चीज़ें, तो यहाँ पर हम जाके अपने स्पिनर्स को अपॉर्चुनिटी देते और वो करते खेलते, उनको पता चल जाता, हमें पता चल जाता, सिलेक्शन कमेटी को पता चल जाता जिन्होंने टीम सेलेक्ट करके वर्ल्ड कप भिजवानी थी, तो ये एक ऑप्शंस उनके पास सामने आ जाती। हम एक्सपेरिमेंट हमें करने चाहिए थे, हमें हार से नहीं डरना चाहिए था। इंडिया ने अपने बहुत सारे प्लेयरों को रेस्ट करा के इंडिया ने बिल्कुल फिक्र नहीं की, लेकिन उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाना था वर्ल्ड कप के लिए, आज आपके सामने आई इंडियन टीम। प्रायोरिटीज़, मुशी भाई, प्रायोरिटीज़ की बात होती है कि वेदर यू वांट टू बी बायलेटरल किंग और यू वांट टू बी द वर्ल्ड किंग, क्या ये दोनों प्रायोरिटीज़ इस पर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा कि आपने बायलेटरल जीतने हैं खाली? नहीं, आई थिंक दोनों जीतने हैं, हाँ जीतने के लिए जाना होता है, पर जीतने के लिए आपने अपने कम्बिनेशन को नोट करना होता है। पहला एशिया कप का मैच था नेपाल के साथ जी, कहाँ था? मुल्तान में। आपके दोनों लेग स्पिनर बनते थे उधर, शाहीन को भी आप ड्रॉप करते हैं, उसको भी, हारिस को भी रेस्ट देते, आपको पता था इतनी ट्रैवलिंग है,
ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती, ये विजनरी लोग होते हैं ना जो हार से नहीं डरते, वो ये करते हैं कि यार यहाँ पे इन दोनों को खिला के देखें, एक एंड से ये बॉलिंग करता है, एक एंड से वो बॉलिंग करता है, दोनों का डिफरेंस नजर आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के, क्योंकि अंडर प्रेशर आपने शुरू से रखना होता है, क्योंकि कई दफा प्रेशर आपके लिए अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए बड़ा जरूरी होता है, आप अपने प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वहां से हम एशिया कप से हमें आई थिंक बिकॉज हार की डर की वजह से कि एशिया कप हार ना जाए, क्योंकि होस्ट कर रहे थे, वट एवर यू कैन से, हमने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं जिसमें आप हॉलैंड के खिलाफ जब तीन बंडे खेले तब हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो हम जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आपको क्या पता, आप होप फॉर द बेस्ट यू नो वो नहीं होता, आपने टीमों को बनाना होता है, डेवलपमेंट करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली ये वो हार्ड रियलिटीज़ हैं जिनको हमें फेस करना पड़ेगा और इसी चीज़ों को हमने ठीक करना है कि अगले टीम, अगर आपने बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी करनी है तो बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी खेलने से होगी, बाहर बिठाने से नहीं होगी या उनकी फिटनेस पे नहीं होगी। जब तक वो मैच खेल के अपना परफॉर्मेंस नहीं करेंगे आपको क्या पता कि प्लेयर का टेम्परमेंट कैसा है। कितने प्लेयर हैं फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा खेलते हैं, जब आप उनको बेंच पे बिठाई रखते हैं और नहीं खिलाते और क्रूशल मैच में खिलाते हैं तो एक मैच से आप डिसाइड कर लेते हैं कि ही इज नॉट गुड इनफ। ये चीज़ें होती हैं जो आपको प्लान के मुताबिक चलना होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे स्पिनरों ने वाकई अच्छी बॉलिंग नहीं की, दोनों अच्छे हैं, दोनों मैच विनर, कैन बी मैच विनर, बट स्टिल आई बिलीव उनकी परफॉर्मेंस की वजह से फास्ट बॉलरों के ऊपर एंड में भी प्रेशर पड़ा और ऊपर से सोने पे सुहागा, नए बॉल पे विकेटें नहीं मिलती थी, तो सारी चीज़ें अगर मिलाई जाएं तो आई थिंक मिडिल में जो हमें भी ब्रेक थ्रू मिलती बाकी टीमों को मिल रही थी हमें नहीं मिल रही, यानी जो चीज़ चल रही थी वो भी चल रहा हो गई। जी सवेरा, एक और चीज़ देखें जो आप, क्योंकि आप बहुत हर चीज़ की आपके पास मैनेजमेंट थी और हमें ये पता था कि स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक क्योंकि बॉलर देखें, मैं अभी भी आज भी कह रहा हूं आपके सामने कि शादाब और उसामा ये बुरे बॉलर नहीं है, लेकिन इनके साथ कोई इनकी रहनुमाई करने वाला नहीं था, जिनका रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इनके ऊपर कोई ऐसा कोच, जैसे मैं मुशी भाई की बात करता हूँ क्योंकि वो दोनों लेग स्पिनर्स हैं, तो मैं इसलिए मुशी भाई का नाम लाजमी लेना चाहूँगा कि मुशी भाई ने पहले कोचिंग की है स्पिनर्स के साथ। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैं PSL खेल रहा था मुझे समझ नहीं आती थी या मेरा प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता था, तो मुशी भाई की नज़र इतनी तेज़ होती थी क्योंकि लेग स्पिनर रह चुके हैं, इन्होंने सिर्फ एक दो बातें मेरे साथ की और मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करने लगा था उस वक्त कि यार कोई मुझे बता रहा है, कोई मुझे देख रहा है। एक फास्ट बॉलर मुझे नहीं बता सकता, एक फास्ट बॉलर मुझे कभी भी मेरी चीजें ठीक नहीं कर सकता जो एक जेन्युइन लेग स्पिनर मेरा ठीक कर सकता। तो लेग स्पिनर था इसलिए मैं बात कर रहा हूं, या सकलैन भी हो सकता था वहां पे, लेकिन क्योंकि लेग स्पिनर थे तो इसलिए मैं मुशी भाई का नाम लेना चाहूंगा और मुशी भाई का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो एक 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 ऐसा टीचर उनका होना चाहिए था, कोच होना चाहिए था जो उनको रिमाइंडर्स देता, उनके प्रोसेस को ठीक करता। अभी भी मैं कह रहा हूं वो दोनों बॉलर बुरे नहीं है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आई कि किस माइंड सेट के साथ, किस प्लान के थ्रू मुझे मैच में जाना चाहिए, असल चीज वो है। सही। फिर मुशी भाई जो ये बात लाला ने की है कि कोई एक गाइड करने के लिए होता, कभी आपने क्यों नहीं सोचा कि आप ही कॉल कर लें शादाब को और आप ही कह दें कि शादाब ये गलत कर रहे हो, ऐसे सही कर रहे हो। मैं फिर मेरा इसलिए क्योंकि मैं इसका एक रेफरेंस आपको देना चाहती हूँ, यूनुस खान ने जब 2018 ओवल में हिट किए थे उससे एक दिन पहले इंडियन प्लेयर अजहरुद्दीन ने यूनुस खान को कॉल की थी और उन्होंने कहा कि तुम ये चीज़ें गलत कर रहे हो, उसको थोड़ा सा ट्वीक कर लो तो शायद सही हो जाए और तुम ना आउट हो, बिकॉज एक लीन पैच चल रहा था यूनुस खान का। जाने से पहले बात हुई थी जी जब इंडिया में वर्ल्ड कप जाने से पहले, हाँ। शादाब से एशिया कप के बाद मैंने फोन करके बताया था शादाब को, हाँ। ये नहीं है, कई दफा कई चीज़ें आपने नहीं बतानी होती है, आपको एम्बैरेसमेंट फील होती है। अब मैं शो के ऊपर बताऊँ कि जी मैंने उससे बात की, अब कई दफ़ा वो माइलेजेस की बात भी होती है, वो माइलेजेस नहीं चाहिए हमें, हाँ। वो जो जिसने शायद ने कहा कि ये तो मैं ना होता कोई और होता, हाँ। कोई भी लेग स्पिनर होता, कोई एक्स वाई जी ले लेते हैं, आप सकलैन कर सकता है, सकलैन खुद कर सकता है, मतलब जैसे शायद ने कहा वो लेग स्पिनर थे इसलिए उसने मेरा नाम ले लिया, सकलैन कर सकता है कोई, शायद कर सकता, कोई भी एक्स वाई जी कोई भी कर सकता है, रहनुमाई जरूरी है। असल मकसद जो है ना, एजेंडा जो है ना वो रहनुमाई की है, कि उनको कॉन्फिडेंस आता है, कोई स्पिन बॉलिंग होता है उसका नाम हो जिसने विकेटें ली हो तो वो फिर कॉन्फिडेंस आता है, और शादाब से बात होती रहती है, ये नहीं कि नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है, सुनता है बात, बट अनफॉर्चुनेटली कई दफा आपने बातों से कोचिंग नहीं होती, आप नेट पे लेके जाते हो उसको, उसकी चीजें खुद सामने देखते हो, खुद वहीं पे ठीक कराते, वो है असल बात, बातों से नहीं होता।
बिल्कुल ठीक कह रहा शायद, ये वो तो कॉन्फिडेंस की बात है। जैसे आपने कहा कि अजरुद्दीन ने यूनुस को बताया तो यूनुस ने ये कर दिया, हाँ। उसने 200 कर दिया तो उसने अजरुद्दीन का नाम ले लिया, तो ये अच्छी चीज है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, लोग बताते हैं। मगर ये जैसे शायद ने कहा कोचिंग सम टाइम ना, मैंने आप प्रोग्राम में पहले भी कहा था, कोई इसको कहता है राउंड द विकेट बॉलिंग कर ले, आपका लेग ब्रेक ज्यादा होना चाहिए, इस तरह के एंगल्स क्रिएट करने होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातें होती हैं। एंड आई एम श्योर जिस तरह आपने कहा ये लड़के अच्छे हैं और मैच विनर, दे कैन बी मैच विनर, और ये इनकी एजेस ऐसी हैं, लेग स्पिनर की एज जिन दोनों जो इस एज में है ना, दे विल बी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, बट वी हैव टू बी वेरी फोकस ऑन देम, द फिटनेस एंड एवरीथिंग। बट आपने मेरे सवाल को फिर डक कर दिया, क्या ये लड़के सुनते हैं? आई थिंक दे आर गुड लिसनर जब आप उनके साथ होते हो, जब आप उनके साथ नहीं होते, आई थिंक एज ए ह्यूमन इंसान की फितरत है वो भूल जाता है, वो विद द फ्लो जाता है। जब आप उनके साथ होते हो दे बिकम वेरी ओबीडियंट, बहुत अच्छी तरीके से बात सुनते हैं, आपकी इज्जत भी देते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं। आई थिंक जब वो आपके साथ नहीं होते, इंसानी फितरत है, वो आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं होते ना, तो वो भी अपनी मर्जी चला रहे होते हैं, तो आई थिंक ये एडवांटेज और लिवरेज देना चाहिए। बिल्कुल, जो बार बार हम बात कर रहे थे ना टीम अफगानिस्तान और तान टीम में, वो डिफरेंस हमें क्या दिख रहा था, मे बी देवर ओपन टू लर्न मोर, जो वो तेजी से सीख रहे थे, तेजी से अप्लाई कर रहे थे। बट यस, ये एक हमारी जो कॉन्वर्जेशन है ये आगे भी बढ़ेगी जब हम बात करेंगे कि और क्या क्या इशूज हुए, मगर उससे पहले अब जरा चलते हैं उस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ जिसमें मुझे बड़ा मजा आता है, प्रेडिक्शन राउंड, प्रेडिक्शंस की बात, जो लास्ट प्रेडिक्शन ग्रुप स्टेज के हवाले से की थी, क्या प्रेडिक्शंस की गई थी आपको सुनाते हैं। इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स, द लास्ट मैच ऑफ द लीग, मैं बगैर हेजिटेट किए हुए नेदरलैंड के ऊपर जाऊंगा, 20 पॉइंट पे जा रहा हूं, मेरे पास चॉइस कोई नहीं और, मुशी भाई को नीचे कर दें। नहीं यूसुफ, मैं यूसुफ का लफ्ज नहीं सुन चुका, यूसुफ ने अभी मैं सुना है आवाज आई है, उन्होंने कहा ऑब्वियसली जा, मैंने कहा मेरे पास कोई चॉइस नहीं, तो यूसुफ ने हल्का सा कहा ऑब्वियसली। अच्छा जी, पर रिजल्ट सही, यूसुफ भाई 66 पॉइंट्स हैं, लीड कर रहे हैं, नहीं इन्होंने कोई फायदा नहीं, मुशी भाई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, कोई फायदा नहीं, 62 पे लाला, लेकिन बगैर इंटरेस्ट के 56 पे पहुंच गया प्लस 30 करके, अभी एक टीम जो इनकी एक्स्ट्रा आ गई है ना बीच में, हां जी। तो अब जो अगली जो चीज़ अभी सामने आएगी वो उस अगली चीज़ को सामने लेकर आएंगे, बिकॉज टॉप फोर पूछे थे हमने अपने लेजेंड से कि क्या होंगे टॉप फोर, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था उस वक्त, और टॉप फोर के ये रूल्स हैं कि पर टीम 5 पॉइंट्स मिलेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको, सो जब पर टीम 5 पॉइंट्स मिलेंगे तो अब देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या टॉप फोर बताई थी, तीनों एक्सपर्ट्स की क्या टॉप फोर रही, सेमीफाइनल में कौन सी टॉप फोर आई, अगर हम स्क्रीन पे दिखा सकें। मैं तो आपकी बात सुनने से पहले आई एम सॉरी टू कट यू, ये कोई फायदा नहीं ऐसे पॉइंट्स का। यूसुफ ने कहा आपको तो 15 पॉइंट मिल गए, तो नाल मैं क्या है पंजाबी जी क्या है, मैं कहा तुहानू भी तो 10 मिल गए ना, तुहानू ना मिलते तो फिर मैंनू फायदा होना था। नहीं आप लीड तो कर रहे हैं, कैलकुलेशंस यहां पे चलना शुरू हो गई है, और इस सस्पेंस को खत्म करें बराए मेहरबानी, जो टॉप फोर है हम वो दिखाएंगे कि वो दिखाएं और वो सामने आए टॉप फोर क्या है हमारे लेजेंड्स की टॉप। लाला की थी पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड एंड पाकिस्तान निकल गए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो सेमीफाइनल के क्वालिफाई कर गए हैं, तो लाला के हो गए 10 पॉइंट्स। यूसुफ भाई की थी पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सेम दो ही सही हुए, इनके भी दो ही सही है। यार किसी ने ना खेल खेल रहे हो तुसी, मुझे इंडिया और नहीं गलत हुआ, साउथ अफ्रीका ये गलत है, मुझे 3 पॉइंट थे मेरे, आपने इंग्लैंड, हम समझ रहे थे कि आपने ऑस्ट्रेलिया को चूज किया, नहीं ऑस्ट्रेलिया किया हुआ था, नहीं नहीं इंग्लैंड किया था आपने, कहा मैं इंग्लैंड से, मैंने इंग्लैंड को कोच किया है मैंने, तो मैं इंग्लैंड, और नहीं नहीं इंग्लैंड मेरे मुंह से निकल गया होगा, मैं तो वो सुन रहे थे, हमारे जो लेजेंड्स हैं
10-10 पॉइंट्स जो है वो जमा हुए हैं उनके, और 10-10 पॉइंट्स जो है वो हम जो हमारा जो एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल है उसमें ऐड अप कर देंगे, तो ऑब्वियसली जब 10-10 पॉइंट होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुशी भाई को देखे दिल कर रहा है, पर आप लोगों ने मेरी आस क्यों लगाई थी, मुझे क्यों कहा था कि जी आप इनसे एक टीम बन के आगे, साउथ अफ्रीका आगे, हमें लगा आपने ऑस्ट्रेलिया चूज किया, आपको खुद याद नहीं था कि आपने टॉप 4 कौन से चुने, तो हमें कैसे याद होगा। नहीं मैंने तो ऑस्ट्रेलिया को चुना था। हाँ जी, नहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल नहीं चुना था भाई, आपने इंग्लैंड को किया था, आपने इंग्लैंड को किया था पासपोर्ट के लिए। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. बिल्कुल ठीक बात है। Like a wow, बिल्कुल। So खैर, ये जो है कोई बात नहीं, अभी आपके पास और चांस है, और मौका है। सेमीफाइनल्स का रूल ये है, नॉकआउट का रूल ये है कि इफ यू टेल द राइट टीम तो +2 होगा, बट इफ यू टेल द रॉन्ग टीम तो -2 भी होगा। तो अब गलत टीम्स पिक नहीं करनी वरना पॉइंट्स कम होते चले जाएंगे। सो ये है सेमीफाइनल नॉकआउट्स का रूल जो है वो ये है। तो ये तो हमारी प्रेडिक्शन यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ये कुछ मीम्स है सिलसिले जो जाहिर सी बात है अपने दिल को बहलाने के लिए हम ये सब चीज़ें फिर ये जब होती रहती हैं। तो मुस्कान यहाँ पे जिनका जो एक्स हैंडल है दैट इज मुस्की, वो कहती हैं इन सर्च ऑफ वर्ल्ड कप 2023 वी फाउंड टू ओपनर्स फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024। हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम ने जिस तरह ब्रिलियंट बैटिंग की थी डाउन दी ऑर्डर आकर, वैसे यूसुफ हर दफ़ा ही होता है हम ये देखते हैं कि टेलेंडर्स बड़ा खुल के और दिलेरी से खेलते हैं, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता इसलिए वो दिलेरी होती है, या उस वक्त बॉलर्स भी लूजन अप होते हैं, क्या होता है? नहीं बिल्कुल उनका प्रेशर ही कोई नहीं होता ना। हाँ। देखो प्रेशर की गेम है ये, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता, ये भी बगैर प्रेशर के खेल रहे हैं। हाँ ये भी कर रहे हैं, इसमें क्या दूसरी टीमें खेल रही है ना, तो बगैर प्रेशर के खेलना चाहिए। अब देखिए आप हाईएस्ट लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको करना ही पड़ना है, और जो मॉडर्न डे क्रिकेट की जरूरत है उसी तरीके से करना है। फिर आप जब करते हैं फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, फिर आप हर फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप फेलियर लेके अंदर आएंगे तो वो फेलियर ही हो जाएगा। तो आप अपनी जो सोच है, जो जो आप करना चाहते हैं उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये करना है, और वो अगर विकेट में कोई 19-20 है तो वो 1-2 ओवर ही होता है, ज़्यादा नहीं है, उसके बाद आप शुरू हो जाएँ, जो गेम है उसके मुताबिक खेलना चाहिए। मेरा ख्याल है अभी प्राइम एग्जांपल है कल रोहित शर्मा, थोड़ा बहुत ग्रिप हो रहा था ऑफ स्पिनर का, उसने पहली बॉल पे टांग रख के ऊपर से दे दिया, क्योंकि उधर फील्डर नहीं है, जहाँ फील्डर नहीं है वहाँ आप चांस ले सकते हैं। गैप में उन्होंने क्रिकेट खेली है सारी, अगर आप देखें आखिर तक उन्होंने जो छक्के भी मारे वो गैप में मारने की कोशिश की है, अगर मिस हिट भी हो तो 2 या 4 हो जाए। तो इस तरह की पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल होगी। और जो आए स्टार्क ने कहा है वो मैं हम कब से कह रहे हैं कि एक बॉल कर दें और 4 फील्डर अंदर ले आए तो वो फिर क्रिकेट का ज्यादा मजा आएगा, एटलीस्ट बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस मजा आता है। ये भी कर सकते हैं 2 बॉल लगा लें, कोई बात नहीं, अगर आपने फिर बाउंसर अलाउड कर दें 2-3, वो 2 तो हैं, 3 बाउंसर अलाउड कर दें, आपका गेम एक बॉल और 4 फील्डर अंदर, वो क्रिकेट बड़ी मजे की होती है, आप सोचो एटलीस्ट बैलेंस हो जाएगा, बैट और बॉल का बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी है। और वो जो आपने बात की कि आपने खेलना जिस तरह वो खुद को कैसे अप्लाई करना है, वो कहते हैं ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो अपनी रजा बताएंगे तो फिर उस तरह कर पाएंगे। उसी के साथ वक्त यहाँ पे खत्म हो गया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस विद अस एंड सवेरा और उमेर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।